और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि हरियाणा भवन में हिमाचल बीजेपी नेताओं की बैठक लगातार जारी है। हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले हो रही बैठक। तो आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री समेत अनुराग ठाकुर, प्रभारी अविनाश राय इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, हरियाणा भवन में हिमाचल बीजेपी नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक अभी भी लगातार जारी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री समेत अनुराग ठाकुर और कई नेता इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, उससे पहले इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गए। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे बैठकों को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जरा बताएं। जी बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस तरीके से हिमाचल कांग्रेस जिस तरीके से हिमाचल बीजेपी को बीजेपी काफी ज्यादा हिमाचल को लेकर तत्पर है और साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार ये भी कह रही है कि बीजेपी इस बार हिमाचल में रिवाज नहीं बदलेगा, जो रिवाज है वो बदलेगा दीपाली, और सरकार नहीं बदलेगी, यानी कि इस बार वापस से बीजेपी ही हिमाचल में जीत दर्ज करने वाली है। जिसको देखते हुए आज हरियाणा भवन में गहम बैठक चल रही है, जिस बैठक में अनुराग ठाकुर समेत हिमाचल बीजेपी के बड़े नेता मौजूद है, और साफ तौर पर जयराम ठाकुर भी हरियाणा भवन में इस वक्त मौजूद है, और साफ तौर पर बैठक चल रही है, जिस बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है। इस बैठक में सुरेश कश्यप के साथ ही साथ तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, और अविनाश राय खन्ना भी मौजूद हैं, सौदान सिंह मौजूद हैं, और साफ तौर पर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक के बाद जो नाम निकल कर सामने आएंगे उन नामों को हो सकता है कि जेपी नड्डा या फिर अमित शाह के सामने रखा जाए, और फिर उन नामों पर विचार विमर्श किया जाए, उन नामों पर मुहर लगाई जाएगी, और साफ तौर पर ये वही उम्मीदवार होंगे जो हिमाचल में बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे, बीजेपी के टिकट पर वोट मांगते हुए दिखेंगे, और ये वही लोग होंगे जिनके बलबूते पर दावा किया जा रहा है कि इस बार रिवाज नहीं बदलेगा बल्कि सरकार दोबारा से रिपीट होगा। तो देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आगे किस रणनीति के साथ टिकटों का वितरण किया जाता है। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस के नाम इसमें कंफर्म हो सकते हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि ये नाम इस लिस्ट में डेफिनेटली होंगे। देखिए, इस तरीके की खबर अभी फिलहाल कोई बाहर नहीं आई है, क्योंकि ये पहली बैठक है, और साफ तौर पर इस बैठक के बाद ही ये सब कुछ भी सामने आएगा कि कौन से वो नाम होंगे जिनके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है, या फिर जिनके नामों को आगे रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल कोई भी बीजेपी ने कार्ड नहीं खोला है और किसी भी तरीके के दावे अभी तक सामने नहीं आए हैं, चाहे उम्मीदवारों की बात कर ले हम या फिर क्या क्राइटेरिया होगा, इन तमाम मुद्दों को अभी तक मीडिया के सामने नहीं रखा गया है। लेकिन अगर बात करें तो दावे तमाम किए गए हैं कि हिमाचल में सरकार एक बार फिर से बीजेपी की बनेगी और ज्यादा बहुमत के साथ बनेगी, और साफ तौर पर उनका कहना है कि हिमाचल वासियों को पता है कि कौन जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल में क्या कुछ किया है, और कामकाज के आधार पर उनको वोट मिलेगा और सरकार भी रिपीट होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए, जैसे कि हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने भी जानकारी दिया। आपको बता दें कि बैठक अभी भी लगातार जारी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं, वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं।